सो दोस्तों, कल वाला वीडियो एडिट करते करते रात में काफ़ी लेट हो गया था, 2:30 बज गया था। तो फिर अपने को सुबह उठने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अपन कुछ थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेते हुए, आलस करते हुए जैसे तैसे उड़ गए, क्योंकि अपने को जाना था सुबह जिम। तो 7 बजे से 7:30 बजा दी, अब जल्दी से उठते हैं और रेडी होते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रही है सुबह की 7:30 और अपन बिल्कुल रेडी हो गए हैं जिम जाने के लिए। तो अभी जाते हैं अपन जिम और जिम जाने के बाद वापस आएंगे। उसके बाद आज आगरमालवा में शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं CM, तो उधर उनसे मिलने भी जाएंगे। देखते हैं मिलना हो पाता है कि नहीं पाता है। बाकी फ़िलहाल तो अभी जिम चलते हैं और जल्दी से आते हैं एक्सरसाइज करके। तो दोस्तों, जिम के लिए तो निकल गए और बाकी है सुबह सुबह का प्यारा सा ठंडा सा माहौल, मतलब अलग ही एक पॉजिटिव वाइब देता है और अलग ही माहौल में चलता है। तो ये देखो सुबह सुबह प्यारा सा ठंडा सा माहौल, और इसी वाइब के साथ अपन जल्दी से पहुंचते हैं जिम और करते हैं कड़क वाली एक्सरसाइज। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, ये अपनी दीदी का पहला ऑफिस जब अगर मालवा में ज्वाइनिंग हुई थी कार्यपालन यंत्री, और इधर से अपन निकलेंगे और अपनी जिम आती है बस स्टैंड के जस्ट सामने, रॉयल जिम। तो चलो पहुँच ही गए। तो दोस्तों, अपन पहुँच गए अपनी जिम और चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। तो इधर सीढ़ियों से पैदल चलना पड़ता है और मस्त मजा आ जाता है। चलो जिम के अंदर पहुंचते हैं, थोड़ी सी जिम को भी दिखाते हैं अपनी जिम का गेट। इस दोस्तों, ये अपनी जिम, इधर ये एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर एक फ्लोर, उसके ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पे एक्सरसाइज और लेग्स वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, वो तो नीचे वाला फ्लोर था, अब चलते हैं अपन ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पर लगाते हैं लेग्स के एक्सरसाइज। और काफ़ी टाइम बाद, 6-7 दिनों बाद आज करी अपन ने लेग्स की एक्सरसाइज, तो बहुत गंभीर हालत है फिलहाल। तो अभी सीधे सीधे चल रहे हैं, बाकी थोड़ा सा पेन हो रहा है, चलो कोई ना। बाकी जो लेग्स जिसने फर्स्ट टाइम या बहुत टाइम बाद लगाई हो तो वो समझ जाएगा अपना दर्द। तो चलो जल्दी से घर चलते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद का आगे का प्रोग्राम सेट करते हैं। चलो। हाँ तो दोस्तों, अपन पहुंच गए अभी अपने घर और इधर अपना लैपटॉप पड़ा है, तो अपन ने कल का जो वीडियो एडिट करा था वो अब जल्दी से करते हैं अपलोड। हाँ तो दोस्तों, कल वाला वीडियो किसी कारण की वजह से बहुत दिक्कत दे रहा था एक्सपोर्ट होने में और एडिट वेडिट होने के सीन में, तो अब जाके उसको जैसे तैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और अब जाके उसे अपलोड करा है। तो 1:10 हो गए और अब जाके वो वीडियो अपलोड हुआ है,
और अब अपन जल्दी से नहाते हैं और उसके बाद अपन भी चलते हैं बाहर, क्योंकि आज आगरा में आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो चलो उधर का माहौल देख के आते हैं और चलते हैं बाहर नहा धो के तैयार हो के। हाँ तो दोस्तों अपन हो गए अब रेडी और चलते हैं मार्केट की तरफ। देखते हैं शिवराज सिंह चौहान आए, सीएम आए एमपी के, तो क्या माहौल है आगर मालवा के मार्केट का। तो चलो आओ आते हैं देखते हैं, और कुछ खाया भी नहीं है तो कुछ बाहर जाके खाएंगे। अभी तो बादाम और जूस से काम चल रहा था। चलो पहुँचते हैं। सो दोस्तों घर से बढ़िया तैयार होके निकलते हैं अपन, और थोड़ी सी आगे जाते हैं तो बच्चे रोड शो दिखाते हुए दिखते हैं। फिर जैसे तैसे अपन अपनी कॉलोनी की सिटी के बाहर गेट पे आते हैं, मेन रोड पे आते हैं, और मेन रोड पे प्यारे से मौसम में अपनी गाड़ी 30-40 की स्पीड में पहुंच जाती है मार्केट। और मार्केट पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये सीएम साहब का रोड शो खत्म हो चुका है, और ये जितनी भी पब्लिक जा रही है, ये जहाँ पे सभा हो रही है वहाँ जा रही है। तो अपन भी इस पब्लिक के साथ साथ पीछे पीछे उस सभा में पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर लाडली बहनें सीएम साहब की खड़ी रहती है, और ये गाड़ियाँ देख के कुख्यात माहौल होता है। और इधर पूरा अच्छा सा माहौल होता है, सीएम साहब स्टेज पे चढ़ चुके होते हैं, और इधर अपने भाई लोग भी ट्रक पे चढ़ चुके होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद सब अपना भाषण सुनते हैं सीएम साहब का, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहीं चढ़े हुए हैं, तो अपन भी पीछे मोदी जी का पुतला बना रहता है उसके पीछे लटक जाते हैं। और लटकने के बाद अपन माहौल देखते हैं, और सीएम साहब अपना लाडली बहनों को जो वादा करते हैं वो वाला वचन सुनाते हैं। तालियों के साथ साथ मामा के भांजे भी अपने बारे में सुनने के लिए तरस रहे होते हैं, तभी एक ये भांजा पता नहीं क्या चाह रहा होता है, गद्दा नहीं संभाल पा रहा है। उसके बाद मामा जी अपने कहानियाँ सुनाते रहते हैं, और भांजे अपना मुँह लटकाए खड़े रहते हैं, और ये भाई साहब तो पता नहीं कहाँ लटक गए। तो इनको छोड़ो, और कुछ भांजे लोग तो ट्रकों पर चढ़ गए हैं। बाकी माहौल बहुत कुख्यात हो रखा था, सीएम की सभा थी तो भाई इतना माहौल तो होना बनता था। तभी अपन लाडली बहनों के पास जाके कुछ देर खड़े हुए थे, तो वहाँ पे कुछ अद्भुत ही सुनने को मिल रहा था, तो वो अपन अभी बता नहीं पाते हैं वीडियो पे। और ये भाई दो अनमोल रत्न सीएम साहब के भांजे, ये क्या ही देखना आए थे कुछ समझ में नहीं आया। और एक ये भाई था अपना छोटा भांजा, जो समझ में नहीं आया कीपैड फ़ोन में क्या ही रिकॉर्ड कर रहा था। बाकी उम्मीद है इसकी अभी भी जिंदा थी। और इधर सीएम की सभा खत्म होते ऐसे ही सारी बहनें कुर्सियाँ उछल पुछल करते हुए निकलती है अपने घर की ओर, और इधर भाई साहब लोगों की मीटिंग जो चलती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। चलो तो ये सीएम का काफिला आता है और बहुत ही कुख्यात। बाकी यहाँ पे बुलेरो ने जंग जीत ली, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे और बुलेरो सबसे आगे है। दोस्तों ये थी सीएम की पलटन। तो ये मामा जी के भांजे वगैरह और सब निकल गए, अब मामा जी निकल गए तो ये लोग भी निकल रहे हैं, और फुल कुख्यात माहौल था। बाकी का अपन ने वीडियो में बताया ही है, तो चलो अपन भी चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हेलो गाइस, तो सो गुड इवनिंग। शिवराज मामा की सभा से आने के बाद तो ऐसा हुआ था कि आके घर पर ऐसे सोए कि ऐसे किसी ड्रेस में सो गए, भयंकर नींद आई। तो अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी उठे हैं, और अभी बस दीदी के ऑफिस से कुछ सर आए तो उनके साथ चाय वाय पीते हैं, तो अभी निकलते हैं, दूध वूध लेके आता हूँ, फिर चाय बना के पियेंगे। सो दोस्तों दूध भी आ गया था, चाय भी बना ली और अब चाय पीते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वन लाइफ हैप्पी लाइफ मजा लाइफ जीवाणु रहे। कटाक्ष